rashid khan comes in now to richard gabriel. It beats cardier in the gully. nadusser is the man moving around from third man. two runs, it's none for 13. desmond haynes, as the series has worn on, has gradually found confidence and form.

वो अमेरिका में हुआ और अब वेस्ट इंडीज में चूंकि सेमीफाइनल हो चुके हैं फाइनल होने वाला है तो ये देखते हैं कि ये फाइनल जो है कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुँचने में कामयाब रही हैं साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त दी और इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी और 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी वर्ल्ड कप था उसके सेमीफाइनल में जो भारत को शिकस्त हुई थी उसका बदला उन्होंने यहाँ चुका दिया इस ये पूरा वर्ल्ड कप मजमु तौर पर बड़ा मजमुई तौर पर कामयाब रहा लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से सामने नहीं आ सकी जिस तरह के पाकिस्तानी शायक और क्रिकेट के माहरीन एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम नो डाउट इससे कब्ज़ जो है आईसीसी के बड़े इवेंट्स जीत चुकी है जिसमें उन्नीस का वर्ल्ड कप हमने जीता उसके बाद 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता फिर 2017 में हमने आईसीसी सी, -सी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती इसी तरह से दो जूनियर वर्ल्ड कप हमने जीते एक खालिद लतीफ़ की क्यादत में और एक जो है सरफाज अहमद की क्यादत में और जैसा मैंने पहले कहा कि नाइनटी टू का वर्ल्ड कप हमने इमरान ख़ान की क्यादत में जीता था दो हज़ार नौ का वर्ल्ड कप हमने यूनुस ख़ान की क्यादत में जीता और इसी तरह से दो हज़ार सत्रह की चैम्पियंस ट्रॉफी जो थी वो हमने सरफाज अहमद की क्यादत में जीती और इतफ़ाक़ से मैं खुद वहाँ पर मौजूद था मैंने पूरा टूर्नामेंट कवर किया था तो ओवल में होने वाला ये जो फाइनल था पाकिस्तान की टीम ने मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस का मुजायरा किया था और उसमें फ़खर जमान की और आमिर मोहम्मद आमिर की जो परफार्मेंस थी वो एक्स्ट्रॉडनरी थी रही थी और पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में शिकस्त दे के चैम्पियंस ट्राफी का एजाज़ हासिल किया था इससे इसके अलावा पाकिस्तान की टीम जो है छः मरतबा सेमी फाइनल भी खेल चुकी है वर्ल्ड कप के तो नो डाउट पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ काफ़ी बेहतर रही है लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है कभी हम अच्छी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और कभी कमजोर टीमों के खिलाफ हम बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस कर पेश करके बाहर हो जाते हैं जैसा कि आपने इस वर्ल्ड कप में देखा कि हम अमेरिका जैसी जो नोमूद टीम थी एक नई टीम थी उसके खिलाफ हम शिकस्त खा गए और उसके बाद फिर भारत के साथ जब हमारा मैच हुआ तो हम बिल्कुल जीतने की पोजीशन में थे लेकिन हमारे खिलाड़ी जो थे जिस तरह से कंबाइंड मतलब खेलना चाहिए था जिस तरह से एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और प, जो मतलब मरहला होता है जब आप प्रेशर में होते हैं और करंट सिचुएशन में होते हैं उस वक्त अपनी यही चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है वो हमारी टीम नहीं कर सकी और अनफॉर्चुनेटली हम हार गए और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है किसी ना किसी मैच में कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई प्लेयर जो है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस जरूर दी लेकिन बहस के टीम हमारी टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो जीत के लिए जरूरी होती है जो दूसरी टीमों ने जिस तरह का खेल का मुजाहरा किया तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉमेंस क्योंकि अच्छी रही है लेकिन ख़ास तौर से इस वर्ल्ड कप में जो टीम ने पर्फॉर्मेंस दी है उस पर आपने देखा कि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और शायक जो हैं काफ़ी नाराज़ नज़र आए लेकिन अब आप आपने देखा कि एक हारिस रऊफ के साथ भी वाकया पेश आया जिसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सब को अपनी अपनी एक अखलाकी हदूद में रह के मतलब आगे बढ़ना चाहिए और हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेक नियति पर कोई शुभ नहीं है टीम की जो परफॉर्मेंस थी खराब यकीन उस सिलसिले में जो टीम के कोच थे गैरी क्रिस्टन उनकी रिपोर्ट का इंतजार है और वो जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि आई सी जो ये आई सी सी का टी ट्वेंटी टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप था इसमें जो टीम ने ख़राब परफॉर्मेंस दी तो उसके नतीजे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है क्या इकदाम लेगा और चूँकि आइंदा साल पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है तो न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स पे जिम्मेदारी आयद होती है कि उस चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आप अभी से एक अच्छी टीम जो है तैयार करें जहाँ तक अमेरिका में होने वाले इस वर्ल्ड कप की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा तो मजमू तौर पर यह कामयाब रहा लेकिन वहाँ की विकटें खास तौर से न्यूयॉर्क का जो नसौ क्रिकेट स्टेडियम था उसमें जो ड्रॉप इन पिचज इंस्टॉल की गई थी उसकी विकटों की जो परफॉर्मेंस थी उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया गो के आईसीसी ने शुरू में उसको डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन जब बाद में मुख्तलिफ टीमों ने इसकी शिकायत की तो जाहिर है और उनको इसमें सोचना पड़ेगा अब आइंदा कि इस तरह की विकटें नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चलें आईसीसी की जो न्यूयॉर्क की मतलब विकटें थी जो कि ड्रॉप इन पिचेस थी वहाँ तो ठीक है मतलब उस पर तो परफॉर्मेंस जो है जिस तरह की होनी चाहिए थी सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए थी वो नहीं थी लेकिन वेस्ट इंडीज़ की जो विकटें थी वहाँ तो हमेशा से क्रिकेट होती चली आ रही है तो वहाँ की विकटें जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम वहाँ क्लेप्स हुई जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जो है वहाँ पर नहीं खेल सकी गो के भारत की टीम उसी सेमीफाइनल में उसने जब पहले बैटिंग की तो अच्छी परफॉर्मेंस पेश की लेकिन इंग्लैंड की टीम वहाँ नहीं चल सकी लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान की टीम का ताल्लुक है वो जिस तरह से क्लेप्स हुई है तो उस पर भी के हवाले से और शुबात पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान की टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाह किया इस पूरे वर्ल्ड कप में लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है सेमीफाइनल में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे सके जैसा कि उनको पेश करनी चाहिए थी लेकिन बहरहाल इक्कीस साल तारीख में जो अफगानिस्तान की जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने मार्कुत तो ला परफॉर्मेंस पेश की और अपने से बड़ी टीमों को उन्होंने शिक्स देने का यकीन उन्होंने मौका जो है ज़ाया नहीं किया जहाँ तक इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस है तो उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉडनी रही वो अनबीटिन रहे और उन्होंने हर हर मरहले पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया खासतौर से रोहित शर्मा जो टीम के कप्तान हैं उन्होंने बिल्कुल एक सही कप्तान का किरदार अदा किया ग्राउंड के अंदर जो वेरिएशन होती थी उसके मुताबिक उन्होंने जो है फैसले लिए और उनकी टीम जो है अब आप देखें कि फाइनल है और फाइनल जो है वो होने वाला है इसी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम जो हमेशा चोकर के नाम से मशहूर है और इससे कब आठ مرتبہ वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी लेकिन वो पहली مرتبہ फाइनल खेलने में उसने कामयाबी हासिल की है तो यकीनन उसकी परफॉर्मेंस भी जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है तो देखना ये होगा कि जब साउथ अफ्रीका और खास तौर से साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान जो ये फाइनल होने जाना जा रहा है तो इसमें कौन सी टीम जो है कामयाब होती है आज हमने जो हमारा स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन का प्रोग्राम है इसमें हमने सबक टेस्ट क्रिकेटर और अपने वक्त के बेहतरीन मीडियम फास्ट बॉलर और उसके साथ साथ उन्नीस के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा राशिद खान साहब को दावत दी है राशिद खान असल कैसे हैं आप ठीक राशिद खान को ये एजाज हासिल है कि ये उन्नीस सौ तिरासी के वर्ल्ड कप की उस टीम में शामिल थे जिसमें जहीर अब्बास जावेद नियादाद उसके साथ साथ वसीम बारी सरफराज नवाज ताहिर नक्काश एजाज फकीर मुदसर नजर ऐसे ही राशिद भाई और आप उस टीम में खुद शामिल थे और इमरान खान जो उस टीम के कप्तान थे और उस टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाह किया था मुदसर नजर भी जैसा मैंने कहा कि उसमें टीम में शामिल थे और भी प्लेयर्स शामिल थे कौन कौन से प्लेयर्स थे उसमें आपकी टीम में मोहसिन हसन खान थे मोहसिन हसन खान थे उसमें शामिल तो एक बहुत ही मतलब एक मजबूत टीम थी उस वक्त की और उस टीम का हिस्सा थे हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं Uh, राशिद भाई ये ये जो पूरा अपना आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ है इसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं देखिए तो ये तो एक्सपेक्टेड था पिछले चार साल से आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख लें एज ए टीम तो बहुत ही ख़राब रही है और जो भी लोग या टीम के मेंबर जो क्लेम करते हैं कि जी हम सेमीफाइनल फाइनल खेले और फिर एक फाइनल खेले वो भी जो है एक्सीडेंटली आप फाइनल में पहुंच गए साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने हरा दिया तो ये ये इस टाइप के जो है ना मुजु हुए तो पाकिस्तान फाइनल खेला था ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम 2017 के बाद मैं कहूँगा उसके बाद से तो टीम एक टीम ही नजर नहीं आए सारे इंडिविजुअली प्लेयर अपनी अपनी आ, सेल्फिश परफॉर्मेंस को देख रहे थे और जिस तरह सरफाज अहमद को कैप्टनसी से बाय फोर्स हटाया गया हाँ उसके बाद बाबर आजम को लेकर आए हाँ तो ये सारा जो खेल खेला गया ना जिसकी वजह से जो है आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है देखिए बाबर आजम एज ए बैटर सही है उनका रिकॉर्ड अच्छा है वो उन्होंने रन्स किए उनका काम ही रन्स करना है ना तो उन्होंने परफॉर्मेंस की अपनी हद तक तो वो सही थे लेकिन जो एक कैप्टनसी का जो मटेरियल होता है ना वो उसमें बिल्कुल नहीं है आज चार साल बाद भी आप देख लीजिए जो बलेंडर उन्होंने इस वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में किए हैं है। मैं समझता एक चार साल से जो कप्तान रहा हो तो वो सारी खामियां तो ख़त्म हो जानी चाहिए अच्छा राशिद भाई आपने कहा कि 2017 के बाद टीम में ये खराबियां पैदा हुई आप ये समझते हैं कि हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है कि जो भी मतलब ये जाहिर हुकूमत आती है वो अपना आ, एक ऐसा चेयरमैन ले के आती है जिससे उसका कंफर्ट लेवल हो तो एक साल में ये भी तारीख है कि हमारे तीन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए ज़ाहिर है जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है या जो भी किसी इदारे का सरवर आता है ये तो उसका खैर हक होता है कि वो अपने मतलब जिनसे उनका कंफर्ट लेवल है उनको लेके आए तो ये मतलब उसकी भी वजह है कि ज़ाहिर है कोचेज बार बार चेंज होते रहे पी सी के चेयरमैन चेंज होते रहे कप्तान चेंज होते रहे जिसकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इस सतह पर आ गई ज़ाहिर है जब आप कोई भी चेयरमैन लिंगर मतलब एक जो अपना टाइम है वो नहीं गुजारेगा तो अपनी जो लॉन्ग रन की प्लानिंग है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है नहीं वो वो, वो फैक्टर भी है बिल्कुल है लेकिन प्लेयर्स तो वही रहे ना भाई चेयरमैन जितने भी चेंज हुए या कोचेस चेंज हुए तो प्लेयर्स तो वही हैं जिन्होंने खेलना है जिन्होंने ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी है तो उनको तो किसी भी कोच ने या किसी भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तो ये नहीं कहा होगा ना कि आप गंदी परफॉर्मेंस दे, लेकिन जो उसका अफेक्ट होता है जो एक आप मतलब मैं कहूँगा कि मानी साहब के बाद रमीज आया रमीज ने अपना दो साल तो गुजारे हैं लेकिन उसके बाद जो इतनी चेंजेस आई हैं वो जो है वो उसने अफेक्ट बिल्कुल डाला है क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेट पे जैसे अपना सेठी साहब आए फिर जका अश आए फिर अभी मोहसिन साहब आए हैं तो ये इतनी जो तब्दीलियाँ जल्दी जल्दी होती हैं ना उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है लेकिन आप टीम को देखें तो टीम में कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है वही प्लेयर्स तो, तो आप आप ये समझते हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन सही था टीम में खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए थे वो बिल्कुल सही थे नहीं बिल्कुल सिलेक्शन तो आप अगर आप देखते हैं और खासतौर पर इस वर्ल्ड कप की सिलेक्शन तो सॉरी के जिन्होंने ये सिलेक्ट की टीम वो साथ जो सिलेक्टर थे वो सारे पाकिस्तान के करंट थे ना करंट प्लेयर्स थे जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं क्रिकेट से मतलब उनके तो मैं नहीं समझता कि उनका दिमाग कहाँ था और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो कॉमेडी शो था मतलब रजाक से सवाल करो तो रजाक के पास जवाब नहीं है वो उधर यूसुफ को बोल रहे तो यूसुफ साहब कहते हैं कि कि सब सवालों का जवाब मैं दे मतलब इस तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस तरह कोई सिलेक्टर टीम में सिलेक्टर भाई आपके पास जो स्पेशल प्लेयर थे टी के जिन्होंने परफॉर्मस किया है जिन्होंने जो एक आपके डोमेस्टिक आपका पी एस एल वही एक क्राइटेरिया था ना उसकी बेस पे तो आपने टीम सेलेक्ट करनी थी यह आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने लड़कों ने परफॉर्म किया उनको आपने सेलेक्ट करना था तो वो तो कहीं नजर नहीं आया एक एक लड़का जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता ही नहीं है जैसे उस्मान की बात हुई है सही है उसने परफॉर्म किया है अगर उसने दो सेंचुरियाँ की हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इतनी आसानी से पाकिस्तान की कैप आप किसी को भी दे दें ये तो बहुत ज्यादा की है उन लड़कों के साथ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने पूरे साल क्रिकेट खेलते रहे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके बाद आपने उनको ये रिवॉर्ड दिया अच्छा राशिद खान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ हम ब्रेक पे जा रहे हैं कि इस टीम में अबरार अहमद शामिल थे उनको पूरे जो है टूर पे नहीं खिलाया गया इससे पहले जो वर्ल्ड कप से पहले जो टूर था और मतलब ये कि आयरलैंड का इंग्लैंड का उसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस भी नहीं खिलाए गए फिर ये कि उसामा मीर जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी चैम्पियंस अपना इसमें पी में उनको टीम में शामिल नहीं किया गया फिर शादाब जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी या ख़राब थी वो, वो मुसलसल टीम के साथ खेलते रहे यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं वेलकम बैक नाजरीन जी राशिद भाई बाबर आजम बाबर आजम ने इस पूरी सीरीज़ के दौरान वर्ल्ड कप में और उससे पहले जो सीरीज जो वार्म अप मैचज हुए थे हमारे आयरलैंड और इंग्लैंड उसमें जो है अबरार अहमद को कहीं भी मौका नहीं दिया जबकि उसामा मीर जिनकी मतलब एक हाईएस्ट विकेट टेकर थे उनको टीम में शामिल नहीं किया गया अभी जो आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे और फिर शादाब जैसे मैंने बात की कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी एवरेज परफॉर्मेंस थी या वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी उसके बावजूद उनको कंटिन्यू रखा तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप देखिए जहाँ तक अबरार अहमद की बात है अबरार ने मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी टेस्ट मैचेस में भी वो खेला पी एस एल में भी खेला और उसामा मीर दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी असल मसला जो है ना बाबर आजम का वो है शायद आप अगर अबरार खेलता आपने तीन महीने उसको टीम के साथ रखा और उसको मैच निकला है क्योंकि अगर अबरार खेलता तो उसने लाजमी परफॉर्मेंस देनी थी क्योंकि वो एक मिस्ट्री बॉलर है जो मतलब उसको लोगों ने इवन दुनिया में बहुत कम टीमों ने उसको खेला है सही है वो सब सीक्रेट वेपन हो गया ना आपने अपना सीक्रेट वेपन को अपने पूरे टूर्नामेंट में ट्राई नहीं किया क्यों क्योंकि शादाब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका था और अगर वो खेलता तो वो परफॉर्मेंस देता तो फिर शादा शादाब का जस्टिफिकेशन नहीं बनता कि वो मैचेस खेले वो कभी एज ए बैट्समैन खेलता था कभी एज ए ऑलराउंडर खेल रहा था और कभी पिन छिटर के तौर पे खेल रहा था मतलब उसको बहुत कोशिश की बाबर आजम ने कि किसी तरह वो टीम के अंदर एडजस्ट हो जाए और वही चीज़ बाबर को लेकर डूबी है और वही चीज़ पाकिस्तान टीम की तबाही की जिम्मेदार है अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि अब मतलब ये बातें की जा रही हैं कि इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज आएगी और वैसे भी हमें देखें चैम्पियंस ट्रॉफी जो है बड़ी जिम्मेदारी है जो दो हज़ार पच्चीस के शुरू में पाकिस्तान में उसका इनका हो रहा है और उसकी तैयारियाँ जो है ज़ाहिर शुरू कर दी गई हैं और मेज़बान होने की ऐसे से ये हमारा मतलब फ़र्ज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी तमाम स्टेक होल्डर्स का कि वो ऐसी टीम बने जो कम अज़ कम बेहतरीन परफॉर्मेंस दें आ, आप क्या समझते हैं कि देखें आज कल का जो जदीद मतलब क्रिकेट है उसमें अटैकिंग क्रिकेट स्मार्ट क्रिकेट इंटेलिजेंट क्रिकेट का बड़ा दखल है और कप्तान की जो है वो बड़ी अहमियत होती है डिसीजन लेने जब आप करंच और प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में होते हैं वहाँ देखा जाता है कप्तान जो है क्या फैसला करता है आप ये देखें कि जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे कैन विलियमसन वो उन्होंने इखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए इसलिए कि उनकी टीम जो है बाहर हो गई थी और अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकी सुपर एट में नहीं आ सकी तो उन्होंने न सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम वापस लिया बल्कि कप्तानी से भी स्टेप डाउन कर लिया इसी तरह श्रीलंका के कोच हैं उन्होंने भी अप जो है रिज़ाइन कर दिया तो आप क्या समझते हैं कि जो वो कप्तान जो समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई चाहे वो किसी भी टीम के कप्तान हो जो टाइम में सेमीफाइनल नहीं पहुँच सकी उन्हें पहुँचना चाहिए था तो ऐसा ही मतलब अखलाक जरूरत कम ज़ाहिर है उन्हें करना चाहिए कि स्टेप डाउन हो जाए नहीं ये अखलाक़ की ज़रूरत जो है ना वो दूसरे मुल्कों में होती है पाकिस्तान में नहीं होती बायदा वो तो सुना गया है कि जी के वो बाबर अजम ने ये सवाल किया है कि मैं क्यों कप्तानी छोड़ूँ जी सही है मतलब अगर कोई समझदार इंसान होता तो फ़ौर उसी वहीं अमेरिका में जो है वो रिज़ाइन कर देता कैप्टनसी से एक तो कैप्टनसी के इतनी लालच है सॉरी um, के ये मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ um, कि पता नहीं उससे क्या कोई बेनिफिट ज़्यादा है या बोनस मिलता है आई डोंट नो लेकिन बाबर आजम सी मटेरियल है ही नहीं और ना आगे जाके वो बन सकता है क्योंकि जो आदमी की सोच नेगेटिव हो जो आदमी सिर्फ अपने दोस्तों यारों को टीम के अंदर एडजस्ट करना जानता हो और उनको जो है वो हर दफ़ा जो है वो साथ रखना चाहता हो तो वो पाकिस्तान टीम का कहाँ से सोचेगा मुझे बताए ना बहुत सारे हमारे एक्स क्रिकेटर जो हैं बैठ के बातें कर रहे होते हैं जी के ए, 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 उसके सपोर्ट में तो ये एक्स क्रिकेटर ने तो तबाही की है पाकिस्तान की टीम की अननेसेसरी उसको सपोर्ट करके भाई जो चीज़ ख़राब है उसको आप खराब तो बोलो नहीं कोई ना किसी बहाने जी वो, वो बड़े रन करता है फलाना है उसका फिफ्टी का एवरेज फिफ्टी का एवरेज को क्या करना है हाँ उस फिफ्टी के एवरेज का क्या फ़ायदा जिससे पाकिस्तान टीम जीते ना वो रिजवान और बाबर उन्होंने जो ओपन कर करके पाकिस्तान टीम का बेड़ा गड़ा कर दिया एक सौ दस का स्ट्राइक रेट से अपने आप को अपना जो है वो सेल्फ जो है प्रोडक्शन की इन्होंने दोनों ने मिल जो आप बात कर रहे थे ना अभी कि जो मॉडर्न क्रिकेट की हाँ जो दुनिया ने अपने आप को चेंज कर लिया लेकिन ये नहीं चेंज करे क्योंकि इनमें सिक्स ओवर के जो पावर प्ले होता है उसमें इनके लिए थर्टी टू फोर्टी रन इनफ है बाकी जो हैं वो इफ्तार आएंगे या आज़म खान आके उनको छक्के मार के जो है वो स्कोर कर लेंगे ऐसा नहीं होता अच्छा राशिद भाई ये तो है कि कम अज़ कम देखें नो डाउट इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाबर आजम की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा है और कम अज कम अगर वो आईसीसी की रैंकिंग में रहते हैं तो उनके साथ पाकिस्तान का नाम आता है तो ये जाहिर है हमारे लिए काबिल फ़ख्र है लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है कि अगर आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस से हमारी टीम को जीत मिलनी चाहिए और फिनिशिंग जो है वो एक ऐसा प्लेयर जो उसकी मतलब एक ज़्यादा रन बना रहा है तो वो उसके साथ साथ कम अज़ कम हमारी परफॉर्मेंस जो है टीम की मजबूरी वो भी बेहतर है और ख़ास तौर से हमारी टीम जीत की तरफ जाए लेकिन जाहिर ऐसा नहीं है आपने सही निशानदेही की तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए क्या हो सकता है देखिए ना सबसे सब पहले तो जो, जो बातें चल रही हैं कि जी के चेयरमैन साहब जो है वो सर्जरी करेंगे या जो भी करें पोस्टमार्टम करें सब कुछ करें लेकिन पॉजिटिव माइंड से करें जो भी करना है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के बारे में ए, काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है आप जो प्लेयर इस टीम के अंदर है सेल्फिश प्लेयर हैं उनको आप फारि कर दें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है टैलेंट बहुत है आप जितने और लड़के जो हैं इस वक्त अब्दुल्ला शफीक है या इसके अलावा सलमान अली आगा है तो वो शकील हैं और आपके शान मसूद हैं ये सारे प्लेयर मौजूद हैं तो आप इनको इस्तेमाल करें और आगे का सोचें जरा ये बात जो जो, जो, जो जो सुनने में आ रहा है थ्रेड मिल रही है जी कि हम हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर नीचे किए या वो तो हम रिटायर मैं कहता हूँ मैं अगर हूँ चेयरमैन तो मैं बोलूँगा कि कल की बजाय आज रिटायरमेंट ले लो देखिए ब्लैकमेल करना किसी भी प्लेयर का किसी भी मुल्क के लिए वो तो कहीं से जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप क्रिकेट बोर्ड पर डालें क्रिकेट बोर्ड जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए प्लेयर्स को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए जहां जिस मुल्क के अंदर प्लेयर्स स्ट्रांग होंगे उस मुल्क की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी तो अब इन हालात में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं क्या हो सकता है इसलिए कि देखें चैंपियंस ट्रॉफी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और आपने देखा कि हमारे तीन शहरों के स्टेडियम जो हैं वो भी साथ साथ उनकी भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है ज़ाहिर लाहौर का कजाफ़ी स्टेडियम है पिंडी है फिर कराची का ये नेशनल स्टेडियम है तो उसके साथ साथ ये अपग्रेडेशन तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अपनी जगह है लेकिन असल जो है वो टीम का मतलब बेहतरीन होना ज़रूरी है तो आप क्या चेंजेस देख रहे हैं प्लेयर्स की या कप्तान को भी देख रहे हैं कौन हो सकता है देखिए सबसे पहले तो अब ये मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब वो कितने मतलब पॉजिटिव माइंड से ये सब काम करेंगे क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ वही सिलेक्शन कमेटी है जिसने अभी जूनियर टीम को अनाउंस किया है उसमें आप देख लीजिए जो ए, लड़के सेलेक्ट हुए हैं दो तीन लड़के जो सेलेक्ट हुए उनका जगह बनती नहीं है जूनियर टीम में अगर आप पैंतीस साल के लड़के को रखेंगे हाँ तो वो कहाँ से वो मतलब जस्टिफिकेशन हो गया किसी यंगस्टर अंडर नाइनटीन के जो लड़कों ने जिन्होंने परफॉर्म किया है आप उनको न, मतलब उसमें शाइन की टीम में आप रख डालते वो आपका फ्यूचर के तौर पर काम आते लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ तो उसी से अंदाज़ा होता है कि जी मोहत्सन नफी साहब क्या करेंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकते हैं मेरे हिसाब से ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और कुछ भी नहीं होना और सिवाय फेस सेविंग थोड़े बहुत इकदाम हो जाएंगे और जहाँ तक आपने बात की कि जी स्टेडियम्स वगैरह ये तो हर कोई इवेंट जब भी हुआ है ना पाकिस्तान में तो वो वही स्टेडियम उन्हीं को तोड़ ताड़ के बनाया जाता है बल्कि अगर जो स्टेडियम के ऊपर नेशनल स्टेडियम जो अभी बना था सही है उतने पैसे में तो एक पूरा स्टेडियम बन जाता है जितने पैसे में इन्होंने सिर्फ उसको रेनोवेट किया है तो ये भी सारे दिखावे के काम है कप्तान कौन हो सकता है टीम का देखिए दे, 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 आपके पास मौजूद है प्लेयर शान मसूद है उसको आप देख वो तो टेस्ट तो टीम के कप्तान है टेस्ट टीम के मतलब जरूरी तो नहीं है वो वनडे का भी कप्तान हो सकता है और उसने तो वनडे में उसने खेला भी है पाकिस्तान टीम में यानी तो आप अगर आप फ्यूचर में आप देखते हैं तो सऊद शकील को आप टेस्ट टीम का कप्तान बना दें लेकिन अभी तो हमें टी ट्वेंटी जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी उसके हवाले से हमें मतलब देखना ये है ये आईसीसी ने डिसाइड करना है कि चैम्पियंस ट्रॉफी कितने ओवर्स की है पचास ओवर की है या बीस ओवर की है जो अभी सुनने में आता कि जी कि शायद होस्ता शायद ये टी फॉर्मेट पर खेला जाए अभी कन्फर्म नहीं है तो अगर टी ट्वेंटी इसमें ब्रॉडकास्टिंग के इशू हैं और बहुत सारी चीज़ें और मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ें हैं इनके कमानीन में कि इतना आसान नहीं होगा कि उस मतलब फिफ्टी को ट्वेंटी को फिफ्टी में आ, उसको तब्दील करें या इस तरह से नॉर्मली तो वो फिफ्टी ओवर्स का होता था ना जी। तो अब इन्होंने शायद टी ट्वेंटी फॉर्मट पर लेके जाया उसको अगर वो टी ट्वेंटी होता है तो फिर आपके पास जो है किसी यंग लड़के को कोई भी लड़का हो मतलब सलमान अली आगा को आप कप्तान बनाते हैं ऑलराउंडर उसके साथ इन्होंने गलत किया जो उसको इन्होंने सैर कराया और उसके बाद उसको पंद्रह में सेलेक्ट नहीं किया उसके साथ जाते जबकि वो बहुत यूज़फुल प्लेयर है अच्छा अब ये बताइए कि आपके दौर में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी या डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उस वक्त उसको कितनी अहमियत दी जाती थी और अब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है डोमेस्टिक उसको अहमियत ना देने की वजह क्या है आप समझते हैं कि पी जो है उसने मतलब के उस जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको जो उसके मजबत चीज़ें थी उसे ख़त्म कर दिया है नहीं ऐसा नहीं है ये जो दो में जो एक डिसीजन हुआ था ना Uh, हमारे कप्तान साहब ने जो लिया कि डिपार्टमेंट के सारी स्पोर्ट्स को जो ख़त्म हुआ ये उसका अफेक्ट है जो डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हुई है और जब तक डिपार्टमेंट से उस वक्त तक जो कंपटीशन था ना आपस में टीमों का मैं आपको बता नहीं सकता कि टेस्ट मैच का क्या स्टैंडर्ड होगा जो अगर नेशनल बैंक या पीआईए ये जब खेलती थी आमने सामने तो स्टैंडर्डी कुछ बहुत हाई था एक उधर से वक़ार यूनिस उधर इधर से वसीम अकरम तो देखें जब ये आपस में खेलते थे ना तो ये वो माहौल नहीं होता था फ्रेंडली माहौल नहीं होता था ऐसे ऐसे मैच मैंने एज मैनेजर मैंने देखे हैं और खिलाए हैं कि वो आज तक चाहे आप इंजमाम से पूछें या मोइन से पूछें या वसीम अकरम से पूछे वो आप बताएंगे कि वो मैचज़ कैसे हो, होते थे अच्छा राशिद भाई आप तो मतलब उन खिलाड़ियों के साथ थे जिनका बड़ा नाम है मतलब उस वक्त माजिद ख़ान होते थे मुश्ताक मोहम्मद भी होते थे सादिक मोहम्मद होते थे फिर जावेद मियादाद जहीर अब्बास वसीम बारी सहफाज नवाज मतलब इन लोगों के साथ आप पूरी क्रिकेट खेले हुए हैं तो वो क्या माहौल होता था वो आप माहौल देख रहे हैं आप क्रिकेट में नहीं नहीं वो तो करीब भी नहीं है देखें वो जो वो माहौल ये होता था कि आपने मतलब परफॉर्मेंस हर वहाँ पे बैटिंग मैं ज़हीर भाई की मिसाल दूँ आपको कि वो नेट पे बैटिंग जो करते थे ना वो एक एक दफ़ा बैटिंग नहीं करते थे वो वो जो नेट खाली होता था किसी का भी वहाँ रिक्वेस्ट करके उनके साथ बैटिंग करते थे और कई कई घंटे बैटिंग करते थे उसका रीजन ये होता तो था कि जब आप एक घंटा नेट पर बैटिंग करेंगे अगेंस्ट बॉलर तो आपकी कमर जो है वो दुखेगी तकलीफ होती है ना इतना फेस करना बॉलरों को, उसकी वजह से जो है वो जो जहिर अब्बास या आस, आसिफ मोहम्मद माजिद खान ये वगैरह ये जो लंबी लंबी नींद खेलते थे ये वजह ये थी कि उनका जो स्टैंडर्ड बहुत हाई था सोचने का भी और प्रैक्टिस करने का भी तो यही सारी चीजें जो पाकिस्तान की टीम जो है इतना मतलब हाई थी अच्छा कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें तिरासी का जो वर्ल्ड कप था जैसे मैंने नाम लिए कि इतने सारे मतलब उसमें मार्को तो ला क्रिकेटर्स थे आपके साथ तो उस वक्त के जो हम सेमीफाइनल में, में सेमी थे? क्या, सेमी क्या, से क्या, किस तरह से हुआ ये सब कुछ हालांकि देखिए 180 एटी रन हमने किए थे ओवल के ग्राउंड पे और ओवल की उस वक्त वो जो पिच पूरा स्क्वायर जो था वो एक नया बना था और वो बहुत तेज था उससे पहले हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले एक हम साइड मैच भी वहाँ पर खेले थे जो सरे की टीम से था और सिल्वेस्टर क्लार्क खेलते थे सरे से तो बहुत तेज पिच होती थी और वो भी जो सेमीफाइनल में बहुत बड़ी बड़ी घास थी और बॉल का पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से कहा है मोहसिन हसन खान ने साठ ओवर बैटिंग की थी सिक्सटी ओवर का वर्ल्ड कप था वो जी बिल्कुल और उसके बाद साठ ओवर में उन्होंने साठ रन किए थे रोट आउट आए थे वो तो मतलब वो ये उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस जमाने में जो पिचिस जो होती थी वो इतनी ऐसी नहीं थी जो कि अभी बीच में आपको अगर आप ये आप देखें 2000 में या इससे पहले जो पिचिस मिलती थी बैट्समैनों को लेकिन वो, खे, वो खेला मतलब जाहिर एक टैलेंट था ना और रशिद भाई यहाँ में ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जैसे फ़ौरन वापस आएंगे तो सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद आते हैं खुश आमदीद कहते हैं आ, जी राशिद भाई अब बात करेंगे ज़रा वर्ल्ड कप के आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर तो हम बात कर चुके पाकिस्तान की और जो परफॉर्मेंस खिलाड़ियों से मुतलिक भी बात कर चुके क्या होना चाहिए उससे मुतिक बात कर चुके ये बताइए कि ज़ाहिर पाकिस्तान की टीम तो ज़ाहिर टॉप एट में नहीं आई जो टीमें टॉप एट में आई उसमें अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर भी किया लेकिन वही अफगानिस्तान की टीम जो है जिसने 21 साल के बाद तो लारा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और वो मतलब सेमीफाइनल फाइनल पहुँचने में कामयाब रही लेकिन वहाँ जो है फिर वो अनफॉर्चुनेटली छप्पन रन पे ढेर हो गई और वो पूरा मैच जो था मेरे ख्याल से इकहत्तर बॉलों पे जो है वो मुश्तमिल रहा क्या कहते हैं देखिए अगर इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं समझता हूँ कि पिचिस के हवाले से बहुत खराब था चाहे वो यू एस ए में पिचिस मिल, मिली टीमों को या इवन वेस्ट इंडीज़ में जो पिचिस थे अफग़ानिस्तान का ये बस बिल्कुल उनको मुबारकबाद के उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी सेमीफाइनल में पहुंचना खुद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है देखिए तीन टीमें थी एस, आ, इंडिया अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका इन तीनों टीमों को जो है वो जो कंडीशन थी जो वो बहुत सूट करती थी अगर आप पूरे वर्ल्ड कप में जो टीमें आप देख लें पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसके अलावा जो ग्रुप एट में जो आई उन में ये तीन टीमें थी जो एक कंप्लीट पैकेज था इवन साउथ अफ्रीका देख लें उनके पास उन्होंने शमसी था और एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको क्या नाम है बोल रहा हूँ वो तो इंडिया के पास तो ऑलरेडी चार स्पिनर थे जो तीन खेलते रहे और अफग़ानिस्तान के, के पास भी जो स्पिनर थे वो उनको कंडीशन को सूट करते थे तो ये ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को क्रेडिट तो बिल्कुल जाता है कि सही फाइल खेलना एक एक एसोसिएट कंट्रीज जो जिसने इतनी मतलब मेहनत से अगर आप देखें डे बाय डे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है सही है उनको बहुत सारी जगह पर ये कंडीशन उनको सूट करती है लेकिन और जिस तरीके से खेलें जो एक एज ए टीम अगर आप उनको देखें तो वो बहुत अच्छा मतलब कंबाइंड उनका एफर्ट था हर प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका राशिद खान की जो कैप्टनसी थी उसका भी एक अमल दखल था उनके कोच का भी बहुत अमल दखल था तो इस अगर आप टूर्नामेंट को देखें तो इंडिया तो पहुंच ही गया ना फाइनल में जी बिल्कुल हाँ और <coughs> मैं समझता हूँ कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जितनी जो कंडीशन हैं वो इंडिया को बहुत सूट करती है अच्छा ये बताइए जैसे जुनूबी अफ्रीकन टीम है आ, बड़ी जद्दोजहद करती रही उसने आठ सेमीफाइनल जो हैं वो वर्ल्ड कप के खेले हैं लेकिन कभी भी फाइनल में नहीं पहुंच सकी और हमेशा से वो चोकर के नाम से मशहूर है आ, मतलब मंजिल के करीब आते आते एकदम से वो नीचे चले जाते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मतलब इसमें किस तरह से देखते हैं आ, पूरे टूर्नामेंट में देखिए वो भी जो है सारे मैचेस अपने जीतते आए जी और नाकबिल शिकस्त हाँ, रहे बिल्कुल दोनों टीमें इंडिया की इंडिया टीम भी और भी है, है। जुनूबी हाँ। अफ्रीका लेकिन इस दफा जो साउथ अफ्रीका की टीम है मतलब गिरते गिराते पहुंच गई है इसमें जो कप्तान है हाँ� उनके जुनूबी अफ्रीका के माकरम उनका भी मतलब जो वो इंटेलिजेंट जो उन्होंने लिए खेल के दौरान मुख्तलिफ मैचों में उसका भी बड़ा दखल है देखें वही मैंने बात की ना कि जो कैप्टनसी जो है ना मटेरियल वो बहुत काउंट होता है क्योंकि आप फील्ड के अंदर अंदर तो आपने ही टीम को लड़ाना है सही है तो आ, उनके कप्तान का प्लस जो उनका जो पेस अटैक है वो उसने अपनी लिमिटेशन में बॉलिंग की है और उन्हें पता था कि क्या पिच की रिक्वायरमेंट क्या है और पिच किस तरह बिहेव कर रही है उसको देखते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉलिंग की और वो जो है वो कामयाब अच्छा इंडिया की टीम भी जुनूबी अफ्रीका की तरह जो है नाकाबिल शिकस्त रही है और बड़ा कॉन्फिडेंस और कमांड के साथ जेल टीम नजर आई और आप ये देखें कि जिस तरह से उन्होंने प्रेशर की सिचुएशन में अपनी चीज़ों को मैनेज किया है तो मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा का इसमें जो है बड़ा किरदार है और उन्होंने कैप्टन इनिंग्स के लिए जैसे मतलब कि जितने भी सेमीफाइनल में देख लें उससे पहले देख लें उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डरी परफॉर्मेंस मतलब कप्तानी भी और उनकी बैटिंग भी मतलब वहाँ पे उन्होंने बैटिंग की जहाँ उनको ज़रूरत थी तो इस तरह का कप्तान होता है इंडिया की जो टीम की पूरे मतलब टूर्नामेंट परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से देखते हैं और देखें पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें हम जीतने की पोजिशन पर थे लेकिन हमने तो हिम्मत हार दी लेकिन उनकी टीम जो है वो फाइट करती रही और वो जीत गई तो ख़ासतौर से जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इनका मैच हुआ सेमीफाइनल तो उसमें जो है उन्होंने 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसका बदला जो है ए, मतलब इंडिया की टीम ने चुका दिया तो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल क्या कहेंगे आप देखिए रोहित शर्मा का ये लास्ट है क्योंकि उसके बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे तो वो भी मतलब इस चाहते हैं कि जाते जाते वो कुछ अपने मुल्क को एक कोई ट्रॉफ़ी दे सकें अभी तो उनकी टीम का जो है विराट कोहली तो वो चला ही नहीं है पूरे मैच तो वो जो है रोहित तो शर्मा ने जिस तरह बैटिंग की है मैं समझता हूँ कि इतने अंडर प्रेशर मतलब विराट कोहली जो है वो शुरू शुरू में आउट होने के बाद भी लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने मतलब अपनी टीम को लेके चला है आई थिंक बहुत कम प्लेयर है इसीलिए तो कहते हैं कि कैप्टन जब फ्रंट से आप लीड करेगा तो वही टीम में और उनके बॉलर्स को भी दाद देनी चाहिए देखें जहां मतलब जरूरत हुई सबने बुमराह को देखते हैं अक्षर पटेल जिनको जो है सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया है उनके सारे बॉलर्स ने सही वक्त पर सही तरीके से बॉलिंग की देखिये उनको एक काम दिया गया कि भाई आपने ये काम करना है बुमराह ने आके रिजवान को आउट किया कितने इम्पोर्टेंस थी उस विकेट की सही है उन्होंने उससे काम ले लिया तो जब आपका कप्तान आपको एक जॉब देता है तो वो बॉलर से काम है कि वही ना उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है ना उसने कुछ अपनी तरफ से कोई कोशिश करनी है तो वही वही सब टीमें जो कामयाब हुई हैं और वही ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं अच्छा राशिद भाई अब तो फाइनल होने वाला है अब ये बताइए कि इंडिया और जुनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं पहली मरतबा फाइनल में आमने सामने हैं और दोनों जो है नाकाबिल शिकस्त रहे दोनों ने एक्स्ट्राऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजहरा किया है और ये बार्बोडोस में जो है ये फाइनल खेला जाएगा किस तरह से देखते हैं आप भी जाहिर है मतलब वेस्ट इंडीज जाते रहे वहाँ पे खेलते रहे आप तो दुनिया भर में आपने क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज में श्रीलंका में न्यूजीलैंड में तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फाइनल मैच होगा और जिस विकेट पे हो रहा है क्या फोर्सी करते हैं देखिए पिच बहुत काउंट करेगी कि पिच कैसे बनाता है बारबोडोज़ की बारबोडोस की पिच की जो है रेपो मतलब ख़राब नहीं है लेकिन हालांकि वेस्ट इंडीज़ में वूमें हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं टी ट्वेंटी के तो बहुत ज़्यादा मतलब टू हंड्रेड प्लस रन होते हैं अब जिस तरीके से बनाई जाएगी अब ये उसमें कितना अमल दखल है क्रिकेटर का और किसी आउटसाइड तो उससे मतलब कुछ कहना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आ, अच्छी पिच होगी और एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा अच्छा क्या क्या समझते हैं कौन सी टीम फाइनल जीत सकती है वर्ल्ड कप जीत सकती है मैं ख्याल इंडिया फेवरेट है इंडिया के चांसेस बहुत सिक्सटी फोर्टी है क्योंकि इंडिया एक कंप्लीट पैकेज है मतलब तो उनके बैट्समैन हालांकि विराट ने रन नहीं किया लेकिन फिर भी वो मैनेज कर जाते हैं वन फिफ्टी वन सिक्सटी तो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो उस उस पर अपना मैनेज हो जाती है अच्छा राशिद खान साहब आप ज़ाहिर सबक टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं आपने टेस्ट मैचेस भी खेले हैं आपने वनडे मैचेस भी खेले हैं उसमें आपकी एक्स्ट्रॉडनरी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप की टीम का आप हिस्सा थे आप हमारे जो नौजवान हैं क्रिकेटर्स उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे मतलब जितने भी यंग प्लेयर जो अब आजकल आ रहे हैं एक तो जल्दी ना करें कि जी के हमें बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में मैं जब सेलेक्ट रहा हूँ मतलब आप मेहनत करें और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मतलब उसको भी कंटिन्यू करें और पूरे पाकिस्तान में आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है कि एकेडमीज़ का जो भी कोई जो भी अच्छी एकेडमीज हो अच्छे कोचेज वहाँ हो उस उसमें आप जाके ट्रेनिंग लें और एक प्रॉपर फिटनेस और एक पॉजिटिव माइंड से आप खेलेंगे अब तो बहुत चांसेस हैं हर एक को मौक़ा मिल जाता है पहले ऐसा नहीं था पहले तो एक एक पोस्ट के लिए मेरे खास से पंद्रह पंद्रह लड़के होते थे लेकिन बेचारे बहुत सारे तो ऐसे भी लड़के जो डिज़र्विंग थे उनको मौका नहीं मिला और आ, अब तो ओपन चांस है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और टी ट्वेंटी क्रिकेट भी है और प्लस उसके बाद अगर आप फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर नाइन लेवल पे अच्छा करते हैं तो आपके लिए रास्ते बहुत हैं बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब और नाजरीन आपने देखा कि बहुत सारी बातें हुई राशिद खान साहब के साथ जो कि सबक टेस्ट क्रिकेटर हैं और उन्नीस की वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था जैसा कि मैंने कहा कि उस टीम में बड़े बड़े प्लेयर थे जहीर अब्बास जावेद मियादाद सरफराज नवाज वसीम अक्रम मोहसिन हसन खान इमरान खान ताहिर नक्काश एजाज़ फ़की और भी बहुत सारे प्लेयर थे तो उनके साथ इन्होंने क्रिकेट खेली और यकीन आपने उनकी गुफ्तु सुनी आपको उनकी गुफ्तु और ये पूरा जो हमारा ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम था वो पसंद आया होगा इसके साथ ही इन शाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे और आपने देखा कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो कुछ ही देर बाद शुरू हुआ चाहता है और देखेंगे कि उसमें इंडिया या जुनूबी अफ्रीका में से कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है जैसा कि मैंने पहले कहा कि जुनूबी अफ्रीका की टीम जो है आठ मरतबा सेमीफाइनल तक पहुंची थी और अब पहली मरतबा उसने फाइनल पहुंचने का कारनामा अंजाम दिया है जबकि इंडिया की टीम इससे कब वर्ल्ड कप जीत चुकी है तो देखना यह होगा कि अब जो जुनबी अफ्रीका और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप हो रहा है वो कौन सी टीम जीतेगी तो ताला अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे और उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन आपसे इजाजत चाहता है अल्लाह हाफिज़